हम एनालिसिस करेंगे इस हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को, और सबसे आखिर में चेक करेंगे माउंट्स और लाइंस को, और इस तरह से पूरे हैंड का एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ही क्विक डिसीजन लेने वाले होते हैं ऐसे लोग जिनकी फिंगर्स की लंबाई ज़्यादा ना हो, थोड़े जल्दबाज भी उनको कहा जा सकता है। यहाँ पर फिंगर्स की लेंथ बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से कुछ कमियाँ भी रह जाती हैं जिनको मैं आगे आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले चेक करते हैं पॉजिटिव थिंग्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सीधी और खड़ी लाइनें इनके हाथ पे नज़र आ रही हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव होती हैं ऐसी लाइनें। जितनी डार्क और लंबी लाइनें ऐसी दिखाई देती हैं, इतना ही व्यक्ति जो होता है मिलनसार होता है और अच्छे फ्रेंड सर्कल वाला होता है, और काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं इनके। तो यहाँ पर यह पॉजिटिव थिंग है। और अब लेंथ की बात की जाए तो यहाँ पर अपोलो की लेंथ काफ़ी लंबी और तर्जनी की लेंथ बहुत छोटी है यहाँ पर। तो गुरु की जो क्वालिटीज़ हैं इसके कारण काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। तो तर्जनी काफ़ी छोटी है और अपोलो काफ़ी लंबी है और लगभग मध्यमा के इक्वल दिखाई दे रही है। तो इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी, और साथ ही साथ इस फिंगर के लंबे होने से व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस भी रहते हैं। आर्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, किसी भी तरह का आर्ट इनका इनके अंदर हो सकता है, और अगर यह किसी भी तरह के आर्ट को फॉलो नहीं करते तो इनको अपने अंदर जो भी इनके शौक हैं उनको चेक करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही आर्ट इनको कई बार बुलंदियों तक भी पहुँचा देता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट है बहुत ज़्यादा जो इनकी फिंगर है तर्जनी की, जिसकी वजह से लीडरशिप क्वालिटीज़ कम रहती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर व्यक्ति के अंदर थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी भी आती है। इस फिंगर के यह फिंगर जो होती है हमारी तर्जनी की, यह गुरु की फिंगर है। इसके होने से व्यक्ति लंबी होने से व्यक्ति काफ़ी रिलीजियस होता है, काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है, और लीडर टाइप की क्वालिटीज़ होती हैं अगर यह लंबी हो। तो अगर शॉर्ट होती तो यह क्वालिटीज़ कम हो जाती हैं, बाकी माउंट से भी काफ़ी कुछ पता चलता है। फिंगर के शॉर्ट होने से भी कुछ प्रभाव पड़ते हैं। अब चेक करते हैं यहाँ पर इनकी मरकरी फिंगर को, तो अगर देखा जाए तो मरकरी भी ज़्यादा लंबाई लिए हुए नहीं है, फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँच पा रही। अगर यह फिंगर फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच जाए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे बेस फैलेंज है यह लंबा हो, यहाँ पर इसका ये फैलेंज भी शॉर्ट है और फिंगर्स के मुकाबले यह थोड़े से अच्छे स्पेस में हो और फिंगर थोड़ी लंबी हो, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स इनके वीक रहेंगे इस फिंगर के शॉर्ट होने की वजह से। और साथ ही साथ इस फिंगर के शॉर्ट होने की वजह से थोड़ी शाइनेस इनकी पर्सनैलिटी में रह सकती है। आगे चेक करते हैं इनके हाथ में बनने वाली जो फिंगर्स की सेटिंग है किस तरह से। अगर एक मैं लाइन ड्रॉ करना चाहूँ यहाँ पर तो कैसी लाइन ड्रॉ होगी, लगभग कुछ ऐसा एक सिनेरियो बन रहा है, ऐसी एक कोण बन रहा है। अब देख सकते हैं सबसे शॉर्ट जो है और मर्करी फिंगर, और सबसे जो लो सेट है वो भी मर्करी फिंगर है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ कमी रह सकती है। जो बृहस्पति की फिंगर है छोटी साइज़ में ज़रूर है, लेकिन माउंट यहाँ पर बृहस्पति का काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, जो इनकी कुछ फिंगर की जो लंबाई कम है उसको कवर कर लेगा और इनको बेनिफिट्स देगा। तो वन बाय वन माउंट्स को चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनका मर्करी माउंट है इस पर खड़ी लाइनें काफ़ी ज़्यादा हैं कुछ इस तरह से। यह सारी लाइंस जो होती हैं व्यक्ति के अंदर बिजनेस की काबिलियत को बढ़ाती हैं, यह बिजनेस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशंस में इनको दिक्कत हो सकती है, कम्युनिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बिजनेस के मामले में यह अच्छा ही रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह कुछ लाइंस जो हैं यह इनको इस मामले में अच्छा बना रही हैं। और आगे चेक किया जाए तो सूर्य के क्षेत्र पर काफ़ी खड़ी लाइनें यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारी लाइनें मुझे दिखाई दे रही हैं। एक और सारी लाइंस को मिटाना चाहूँगा, फिर दोबारा से बनाता हूँ। इन लाइनों की मैं बात कर रहा हूँ जो मैं अभी ग्रीन कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी लाइंस हैं यहाँ पर जो फोकस को कम करती हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि सूर्य की फिंगर इनकी काफ़ी अच्छी है, माउंट भी मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, तो इनके अंदर काफ़ी सारी प्रतिभाएं होंगी, लेकिन यह डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि कौन सी चीज़ को कौन से फील्ड को चुना जाए,
क्योंकि इनके हाथ पे सूर्य की रेखा भी दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर यह चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि यह किस फील्ड में तरक्की कर पाएंगे और किस फील्ड में आगे बढ़कर इनको नेम और फेम मिलेगा। यहाँ पर यह थोड़ी सी दिक्कत इनके लिए रह सकती है। अदरवाइज़ जो सूर्य का माउंट है वह काफ़ी अच्छा है, इन ज़्यादा लाइनों की वजह से फोकस में प्रॉब्लम रहेगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सैटर्न का माउंट। सैटर्न की जो लाइन है काफ़ी अच्छी चलती हुई, काफ़ी ऊपर तक है, लेकिन इसको कुछ बार लाइंस काट भी रही हैं, या जो लाइंस काट रही हैं ये प्रोग्रेस को रोकती हैं, ये ओल्ड एज में जाकर काट रही हैं, तो ओल्ड एज में जाकर थोड़ी सी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर एक सीधी लाइन और है जिसको हम एक तरह से सहायक रेखा कह सकते हैं, लेकिन सैटर्न का माउंट थोड़ा सा दबा हुआ है, जिसके कारण थोड़ी सी जो फल हैं इसके वो देरी से मिलेंगे, डिले हो सकता है। आगे चेक करते हैं इनका गुरु माउंट। आप देख सकते हैं हृदय की रेखा जो है वो गुरु माउंट से कमेंस हो रही है यहाँ से, जो काफ़ी अच्छी चीज़ मानी जाती है। और गुरु माउंट वैसे भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस की लाइन यहाँ तक पहुँच रही है। उसके अलावा कुछ सहायक रेखाएँ भी ऊपर की तरफ चल रही हैं, जिसकी वजह से इनको काफ़ी प्रोग्रेस मिलेगी, और यह जो प्रोग्रेस होगी यह थ्रू आउट द लाइफ इनको मिलती रहेगी। यानी जो जिनके हाथ में प्रोग्रेस रेखा गुरु पर्वत पर पहुंच जाती है, ऐसे लोग सारी ज़िंदगी प्रोग्रेस करते रहते हैं, तो यहाँ पर यह काफ़ी शुभ चिन्ह है। आगे चेक करते हैं इनकी हृदय रेखा को, यानी कि हार्ट लाइन। आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन लगभग जो इनका बृहस्पति माउंट है वहाँ से चलती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पर कुछ अपवर्ड जाने वाली लाइनें जो व्यक्ति को थोड़ा सा रोमांटिक और फ्लर्टी नेचर का बनाती हैं। तो मरकरी के ऊपर कुछ इस तरह की लाइंस ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो व्यक्ति के लव रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, और यह कह सकते हैं कि थोड़ी सी फ्लर्टी नेचर इनकी लाइफ में रहेगी। जितनी भी लाइंस ऊपर की तरफ उठ के चलती हैं यह शुभ फल देने वाली होती हैं, जैसे आप यह देख सकते हैं। जितनी भी लाइंस नीचे की तरफ हार्ट की लाइन से जाती हैं यह सेटबैक्स देती हैं, जो मैं रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ आप देख सकते हैं। यह कुछ लाइनें हैं जो इनको अलग अलग एजेस में इमोशनल सेटबैक देंगी, जिसकी वजह से यह थोड़े से परेशान रह सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है इनकी हार्ट लाइन में, क्योंकि हार्ट लाइन गुरु से चल रही है, जुपिटर माउंट से चल रही है, तो यह बहुत ही लॉयल रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छे मित्र यह इनको मैं कह सकता हूँ। इनका स्वभाव जो होगा बहुत ही लॉयल्टी भरा होगा, जिसके साथ में इनकी मित्रता होगी उसके साथ पूरे दिल से यह दोस्ती निभाएंगे। आगे चेक करते हैं इनकी माइंड की लाइन इनके बारे में क्या क्या बताती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइंड की लाइन लगभग इस एरिया तक पहुँच रही है, और कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में है। कोई भी प्रॉब्लम मुझे माइंड की लाइन में नहीं दिखाई दे रही, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छी लाइन है, एवरेज है बेशक, लेकिन माइंड इनका शार्प रहेगा, और इसकी वजह से यह काफ़ी स्टडीज़ में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया होगा। बेशक ये बहुत ज़्यादा हायर स्टडीज़ ना भी करें, लेकिन माइंड वाइज इनका माइंड काफ़ी शार्प रहने वाला है। चलिए आगे चेक करते हैं और क्या क्या पता चलता है। यहाँ पर एक बार इनकी लाइफ की लाइन को चेक करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ लाइन का स्ट्रक्चर लगभग 22-23 के आसपास की एज तक लाइफ लाइन जुड़कर चल रही है माइंड की लाइन से, यानी कि डिपेंडेंसी उस एज तक शो हो रही है, और उसके बाद जो लाइफ की लाइन है कुछ इस तरह के कोर्स में चलती हुई और प्रॉपरली मून एरिया की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, और एक ब्रांच भी यहाँ से मून की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, और यह चीज़ जो शो करती है फॉरेन में जाना और वहाँ सेटल होने की डिज़ायर रहना, और इनकी जो लाइन का स्ट्रक्चर है लाइफ लाइन का, यह शो करता है कि ये विदेश जाएंगे और जा सकते हैं और वहाँ जाकर परमानेंटली सेटल भी हो सकते हैं। काफ़ी अच्छे योग इनके इस चीज़ के बन रहे हैं, क्योंकि दूसरी चीज़ यहाँ पर देखने वाली यह है कि जो इनकी लाइन है इनकी फेट की, यह भी मून एरिया से चल रही है, मून एरिया के ऊपर ट्रैवल लाइंस भी दिखाई दे रही हैं, तो लाइफ में काफ़ी इनको ट्रैवल करना पड़ेगा। ट्रैवल करने के साथ साथ विदेश जाने के बहुत सारे चांसेस यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और चेक करते हैं इनकी लाइन के ऊपर ऑफशूट्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह तरक्की के ऑफशूट्स हैं जो अलग अलग एजेस में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सारे ऑफशूट्स इनके हाथ में बनते हुए नज़र आ रहे हैं।
जिसकी वजह से अलग अलग एजिस में तरक्की होती रहेगी और यह लंबी एक लाइन सूर्य की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही है जो इनको काफ़ी फेम भी दिलवा सकती है। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो लाइफ जो रहेगी इनकी लगभग 70+ लाइफ को मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि 70 से ज़्यादा लंबी इनकी उम्र रहेगी और काफ़ी अच्छी लाइन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो स्ट्रेस की लाइंस भी मुझे दिखाई दे रही हैं जो अलग अलग एजेस में इनको लाइफ में स्ट्रेस देने वाली हैं। यह लाइंस जो काट रही हैं लाइफ लाइन को, तो यह एक तरह से स्ट्रेस की लाइंस है और स्ट्रेस कुछ कितना भी हो सकता है इनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है तो, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालने वाली ये स्ट्रेस की लाइंस, क्योंकि स्ट्रेस की लाइंस होने के बावजूद भी जो लाइफ की लाइन है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। तो अलग अलग एजेस में स्ट्रेस नज़र आ रहा है, लगभग 30 के आसपास जो पहली लाइन है और 35 और 6 के आसपास जो दूसरी लाइन है, या इनको स्ट्रेस इन एजेस में देती हुई दिखाई दे रही हैं। आगे चेक करते हैं, यहाँ पर इनके हाथ में सूर्य रेखा बन रही है लाइफ की लाइन से चलती हुई, तो इनको 8 में जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर इनके अंदर कोई भी 8 है वह इनको काफ़ी बेनिफिट दिलवा सकता है। और यहाँ पर एक हल्की लाइन से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छा मनी ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से पैसे की कमी इनको नहीं रहने वाली लाइफ में, क्योंकि सैटर्न की लाइन भी दिखाई दे रही है क्लियरली, मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी हो रही है, तो लाइफ में पैसा काफ़ी अच्छा इनके पास आता रहेगा और स्टोर भी कर सकते हैं पैसे को। घूमने फिरने की लाइफ में काफ़ी चांसेस है। यहाँ पर कुछ वरी लाइंस भी हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ, यह सारी लाइंस जो हैं यह वरी लाइंस हैं और यह लाइफ में वरीज देती हैं हमें अलग अलग तरह की, चाहे वो वरीज अपनी हेल्थ को लेकर हों या फैमिली को लेकर हों, किसी ना किसी तरह की चिंता व्यक्ति को लगी रहती है। तो इनको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह वरी लाइंस इनकी लाइफ लाइन के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डाल रही, तो यह बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। तो मैंने कोशिश की कि लगभग सारे चिन्ह जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे थे उन सबको एक्सप्लेन करूँ, लेकिन फिर भी कई बार कोई ना कोई चिन्ह रह जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई ऐसा चिन्ह दिखाई देता है जिसके बारे में इस वीडियो में बात ना हुई हो, तो आप उससे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो यह मुझे इसी ईमेल पे अपने क्वेश्चंस को सेंड करें जहाँ पर मैं इनको इस वीडियो का लिंक सेंड कर रहा हूँ, ताकि मैं इनके हाथ को दोबारा से चेक कर इनके क्वेश्चंस के रिप्लाई टाइमली मैनर पर दे सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।